हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग ये फाइकस का बोनसाई की पूरी केयर देखेंगे, कैसे इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, कैसे इसको बहुत देर तक देख के हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि कौन सी ब्रांच काटें, कौन सी रखें, ताकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगे। ये प्लांट पर्टिकुलर करीब 12 से लेकर 13 साल पुराना है, और इसको रीपॉट करके इसकी राइट पॉटिंग सॉइल सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे इसको प्रून करके हम लोग ने दिखाया। मैं पूरा 6 महीने का अपडेट दिखाऊंगी आपको। फाइकस क्या ये प्लांट है, ये बोनसाई बना हुआ है मगर बड़ा अनरूली हो गया है। इसका कॉडेक्स, ये कॉडेक्स तो नहीं, इसका ये देखिए नीचे की स्टेम कितनी चौड़ी है, और इसमें ये रूट्स भी निकल के आ रहे हैं, रियल रूट्स भी निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग इसको प्रून करके शेप में करते हैं। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हम लोग इसकी ये ले सकते हैं। एक तो ये वाला कैनोपी बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये और एक ये। तो चलिए इसको थोड़ी सी क्लीन करते हैं एक्स्ट्रा लीव्स को, और क्लियर पिक्चर हो जाएगी। अब ये काफ़ी थोड़ा शॉर्ट हो गया है और अभी थोड़ी क्लियर पिक्चर आ गई है, और थोड़े दिनों में जब इसमें लीव्स आ जाएंगी तब ये और बेटर लगने लगेगा। इसकी रूट प्रूनिंग 1/3 कर देंगे। बोनसाई के पॉटिंग सॉइल में मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं ताकि सॉइल खूब अच्छी ड्रेनेज वाली हो और साथ में न्यूट्रिशन भी राइट मिले। बोनसाइज में लीफ मोल्ड बहुत हेल्प करती है, और ड्रेनेज के लिए मैंने कई चीजें ली हैं। सबसे पहले लिया है मैंने कोल, साथ में लिया है मैंने ईंट के छोटे पीसेस, परलाइट लिया, थोड़ा सा सैंड लिया है। और हालांकि ये जो ली है मैंने लीफ मोल्ड, ये भी ड्रेनेज में बहुत हेल्प करेगी, और ये न्यूट्रिएंट्स भी बहुत देगी। पत्ती की खाद है क्योंकि ये, और साथ में इक्वल क्वांटिटी मैंने सॉइल ली है, गार्डन सिंपल सॉइल। इसमें जो कंटेनर लिया है ये बहुत टॉल नहीं है, ये होगा करीब 5-6 इंच का। इसकी जो ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है बोनसाई के लिए। और साथ में मैंने थोड़ा सा लिया है कोकोपीट। अब सारा जितनी भी चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं सबको मिक्स करके अब इसको भर के फिर मिलते हैं। ये मैंने सारी पॉटिंग सॉइल मिक्स कर ली है, तैयार कर लिए बोनसाई के लिए, बहुत ही वेल ड्रेनिंग बढ़िया सॉइल बनी है। अब ये अपडेट है 5 मंथ्स बाद, दिसंबर 2nd वीक हो रही है, और ये ऊपर से देखते हैं जो प्रूनिंग की थी वो ऐसे हो गया है। अब इसकी दोबारा प्रूनिंग करते हैं हम लोग, और अगर बांधना पड़ा तो ये कॉपर वायर है, इससे हम लोग इसको दोबारा बांधेंगे। तो देखते हैं कहाँ से कटिंग कर सकते हैं, जो आउटग्रो कर चुका है उसको हम लोग काट देते हैं। ये अब इसकी पूरी प्रूनिंग हो चुकी है, और प्रूनिंग के लिए इसकी खूबसूरती निकालने के लिए, उभारने के लिए इसको, इसकी जो नीचे की ये जो स्टेम्स हैं, स्टॉक्स हैं, बाक है, और जो ये रूट्स हैं, इनको सबको दिखाना बहुत जरूरी है, मतलब ये दिखनी चाहिए। तो
तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है, ये प्लांट की एज बताएगा और ये ऊपर इसकी फोलियज थोड़ा ब्यूटी देती है। तो खूबसूरती देखिए कितनी बढ़ गई है इसकी। आई होप आपको ये वीडियो बॉन्ज़ाय का, फाइकस के बॉन्ज़ाय का खूबसूरत लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।